दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा न्यूटसेन नंबर। न्यूटसेन नंबर जो होता है एक डायमेंशनलेस नंबर है जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं लैम्डा बाय एल। और लैम्डा जो होता है वो होता है मीन फ्री पाथ, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होता है विदाउट मतलब एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में जो फ्रीली मूव करता है उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। और एल जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये जो न्यूटसेन नंबर है इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डिग्री ऑफ रेरिफैक्शन ऑफ द सिस्टम। मतलब कोई भी सिस्टम है जैसे हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स में या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं उसमें फ्लूइड फ्लो करता है, तो वो सिस्टम जिसमें हम लोग ले रहे हैं उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो अगर कोई गैस ले लिया फिर कोई लिक्विड ले लिया तो वो सिस्टम कितना रेरिफाइड है, उस मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस है। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग ये न्यूटन नंबर कॉन्सेप्ट लाते हैं। और जितने भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो हम सब लोग एज्यूम करते हैं कि वो कंटिन्यूअम है, मतलब वो पूरा यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस मैटर से बना हुआ है, पर एज रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे माइक्रो एक्चुएटर्स या फिर माइक्रो सेंसर्स हो गए, माइक्रो रिएक्टर्स हो गए, ये सब हैं, या फिर थर्मो मैकेनिकल डेटा स्टोरेज सिस्टम्स हो गए। ये सब में क्या होता है कि ये सब पूरा कंटिन्यू, उसमें अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें पूरा यूनिफॉर्म नहीं होता, मैटर जो होता है या फिर फ्लूइड जो होता है पूरा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है और वो जो फ्लूइड है वो बहुत ही रेरिफाइड हो जाता है, स्पेस जाता है। ठीक है, या फिर कोई भी हम गैस ले ले, कोई भी हमारे पास कोई अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, जैसे मैं इसका सिंपल एग्जांपल से लेता हूँ कि होता क्या है कि हमारे पास कोई अगर कोई मैंने कहा माइक्रो एक्चुएटर्स माइक्रो सेंसर्स, तो उसमें बहुत ही माइक्रो लेंथ के ट्यूब्स होते हैं, उसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, माइक्रो में होता है। ठीक है, तो वो डायमीटर को मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हूँ, तो उसमें जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो फ्लूइड टाइप से नहीं होता, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेरिफाइड होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि देख रहे हैं आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर ये ट्यूब है, बहुत ही स्मॉल स्केल का ट्यूब है, मैंने इसे मैग्नीफाई करके बनाया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बहुत स्पेस है, ये पूरा कंटिन्यूअस नहीं है। पर अगर हम लोग कंटिन्यूअस देखना चाहें, हम लोग जो रियल लाइफ में अगर कोई लिक्विड फ्लो करता है कोई पाइप के अंदर, कोई बड़ा सा पाइप है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है, कोई बड़ा सा पाइप है उसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, वो कंटिन्यूअस होते हैं, ये सिस्टम रेरिफाइड नहीं होते। ठीक है, तो इट इज़ यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस जो रियल लाइफ में देखते हैं, लेकिन जो हम लोग अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखते हैं, लेकिन हम लोग जब माइक्रो सेंसर्स या फिर माइक्रो एक्चुएटर्स देखते हैं अगर जो जिनका लेंथ बहुत ही स्मॉल होता है उनका पाइप का लेंथ, तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते हर जगह, वो उनके बीच में बहुत गैप्स होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं, तो उनका जो मेन फ्री पाथ होता है लैम्डा और उसका जो डायमीटर होता है इस पाइप का वो माइक्रो में होता है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट कॉम्पेरेबल हो जाते हैं। मतलब सोच सकते हैं एक एक मॉलिक्यूल जितना मूव कर रहा है, इसके बीच में स्पेस है, और ये जो पाइप का डायमीटर है ये दोनों कॉम्पेरेबल हो जा रहे हैं, मतलब ठीक है इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होता है कि हम लोग जो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं वो सारा फ्लूइड जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भी चीज़ फ्लूइड में पढ़ते हैं हम लोग कंटिन्यूम हाइपोथेसिस के अंदर ही पढ़ते हैं। तो अगर कंटिन्यूम हाइपोथेसिस में डाउट हो तो मैं उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे भी आप देख सकते हो। तो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस यहाँ वैलिड नहीं हो पाता, यहाँ वैलिड हो ही नहीं पाता क्योंकि सिस्टम रेरिफाइड है। सिस्टम अगर पूरा यूनिफॉर्म होता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमें लैम्डा डी कंपेरेबल होगा ही नहीं क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव ही नहीं कर पाते, लेकिन जब हम लोग स्मॉल स्केल में जब पाइप्स को ट्यूब्स को देखते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ वैलिड नहीं हो पाता कंटिन्यू हाइपोथेसिस, इसलिए उसके लिए हमारे पास जो चीज़ आया न्यूटसेन नंबर आया। और न्यूटसेन नंबर कितना होना चाहिए ताकि कोई भी सिस्टम कंटिन्यूम हो, इस चीज़ को डिफाइन किया गया कि हम लोग जब इस स्मॉल स्केल वाले चीज़ को स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग कितना न्यूटसेन नंबर होना चाहिए, ये जो के है या फिर लैम्डा बाय एल का रेशियो कितना होना चाहिए ताकि हम लोग कंटिन्यूम में जो कंजर्वेशन इक्वेशंस इक्वेशंस पढ़ते हैं फ्लूइड्स में ये सब वैलिड हो जाए। तो होता है क्या है कि अगर लैम्डा बहुत ज़्यादा बड़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ स्केल से तो जो न्यूटसेन नंबर होगा वो बहुत लार्ज होगा, ऑब्वियसली बात है लैम्डा बड़ा है न्यूटसेन नंबर लार्ज है, तो उस टाइम पे लैम्डा क्या हो जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है मेन फ्री पाथ, मतलब बहुत गैप आ जा रहा है, गैप आ जा रहा है मतलब सिस्टम रेरिफाइड हो जा रहा है, रेरिफाइड हो जा रहा है मतलब रेरिफाइड सिस्टम हो जाएगा। ओके,
पर अगर लैम्डा बहुत छोटा होता तो उस टाइम पे क्या होता कि नूडसन नंबर बहुत कम होता और सिस्टम रेडिफाइड नहीं होता, उसमें डेंस होता, यूनिफॉर्म होता, कंटिन्यूअस होता, तो उस टाइम पे हम कंटिन्यूम एज्यूम कर सकते हैं और सारा कंजर्वेशन इक्वेशन स्टडी कर सकते हैं। हम मान सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूअस मैटर से बना हुआ है। तो क्या हो रहा है, नूडसन नंबर कम होना चाहिए कंटिन्यूअस के लिए, तो कितना कम होना चाहिए, या फिर अगर ज़्यादा होता तो कितना ज़्यादा से रेडिफाइड होता है। इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्केल लाते हैं, ठीक है। स्केल कैसे दिया गया इस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि अगर न्यूटन नंबर 0 से 0.01 तक रहा, ठीक है, इसका जो रेशियो है लैम्डा बाय एल का 0 से 0.01 तक, तो हम लोग उसमें कंटिन्यूम हाइपोथेसिस को एज्यूम करते हैं और बोलते हैं वो कंटिन्यूम फ्लो है, जो फ्लूइड फ्लो करा कंटिन्यूम है, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, सिस्टम रेडिफाइड नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ एज्यूम करते हैं कि नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन वहाँ पे वैलिड है। नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन मतलब अगर कोई सॉलिड है उसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसके ऊपर जो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लिप नहीं कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। इसको मैंने और भी अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट करके रखा है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी आप देखें कि नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ठीक है। तो ये दोनों चीज़ वैलिड होते हैं, ठीक है, नूडसन नंबर 0 से 0.01 तक। पर 0.01 से 0.1 तक जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूम वैलिड रहेगा और स्लिप फ्लो होगा, मतलब नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन फेल कर जाता है, ठीक है। और 0.1 से 0.1 गए तो वहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट होता है, मतलब कि जो यहाँ तक अगर कंटिन्यूम हाइपोथेसिस वैलिड था तो यहाँ से यहाँ पे ये चेंज करता है, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस से अगर कोई सिस्टम कंटिन्यूम था तो वो रेरिफाइड हो जाता है, ठीक है। अगर वो सिस्टम डेंस था तो वो रेरिफाइड होता है 0.1 से 0.10 तक, और 10 के ऊपर वो पूरा रेरिफाइड होता है, मतलब कोई गैस है जो पूरा रेरिफाइड है, पूरा पतला थिन है, बहुत ज़्यादा डेंस है नहीं, तो उस चीज़ में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि नूडल्स नंबर अगर 10 से ज़्यादा रहा तो फ्री मॉलिकुलर फ्लो, मतलब कोई मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली फ्लो कर रहा है, कोई कॉलिजन हो ही नहीं रहा मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, नेग्लिजिबल मॉलिकुलर कॉलिजन्स। तो इस टाइम पे हम लोग कंटिन्यूम जो हाइपोथेसिस एज्यूम करते हैं वो वैलिड नहीं रहेगा, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस वैलिड रहता है यहाँ तक 0 से 0.01 तक। और जितने भी चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं जो फ्लूइड्स में, वो हम लोग सारा चीज़ जो कंजर्वेशन इक्वेशन है वो हम लोग कंटिन्यूम हाइपोथेसिस के वैलिड के अंदर ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमें उसमें कोई भी प्रॉपर्टी स्टडी करना होता है। और अगर सिस्टम रेरिफाइड रहा तो प्रॉपर्टी में डिसकंटिन्यूटी, अगर कोई सिस्टम में डिसकंटिन्यूटी आ गया तो प्रॉपर्टी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एज्यूम करते हैं जो भी सिस्टम्स हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स में जो भी चीज़, उसमें कंटिन्यूम हाइपोथेसिस वैलिड रहेगा, और उसके लिए जो नूडसन नंबर रहेगा वो यही रहेगा 0 से 0.01 तक, ठीक है। बस इतना ही, कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर एज मच एज यू कैन।